हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक यूजिंग फैक्टर थ्योरम बताया था। एक बार क्विक रीकैप मरवा देते हैं आपको कि जैसे जब आप क्वाड्रेटिक लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, तो इसको जब आप फैक्टराइज करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां के अल्फा और बीटा आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं, जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक होता है। अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक। तो ये आपका आ गया ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो कंपेयर करके आपको दिखेगा कि माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बी बाई ए होनी चाहिए एंड अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए होनी चाहिए। इसी को हम यूज करते हैं इन यूजिंग द फैक्टर थ्योरम कि भाई जो कांस्टेंट टर्म आपका दिया हुआ है ना अल्फा बीटा, ये सी बाई ए होता है, ठीक, सी बाई ए अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए के बराबर होती है। तो यहां पर देयरफॉर हियर इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन एक्स प्लस फाइव, देन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फाइव बाई सिक्स के बराबर, ठीक। तो अल्फा बीटा की वैल्यू सिक्स फाइव बाई सिक्स के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से आपको मिलेगा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा आर प्लस माइनस वन बाई टू प्लस माइनस वन बाई थ्री प्लस माइनस वन बाई सिक्स प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस फाइव बाई टू एंड प्लस माइनस फाइव बाई थ्री। बहुत सारे इसके जितने फैक्टर्स हो सकते हैं ना सब लिख लीजिए। देखिए वन बाई टू इंटू फाइव बाई थ्री फाइव बाई सिक्स आ जाएगा, वन बाई थ्री इंटू फाइव बाई टू फाइव बाई सिक्स आ जाएगा, 5 इंटू वन बाई सिक्स फाइव बाई सिक्स, इन सबके प्रोडक्ट से किसी न किसी दो के कॉम्बिनेशन से आपका 5 बाई सिक्स प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो इसमें से कोई दो नंबर्स ऐसे होंगे जो सेटिस्फाई कर जाएंगे, हमें दो ही नंबर्स ढूंढने अल्फा और बीटा। तो चलिए पुट करते हैं, 1 बाई टू पुट करते हैं। तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन एक्स प्लस फाइव। तो अगर देखिए अगर 1 बाई टू इसका एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 बाई थ्री, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 5 बाई सिक्स। ये ध्यान रखना है, एक आपको ढूंढना पड़ेगा दूसरा मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी p ऑफ 1 बाई टू इज इक्वल टू 1 बाई टू चेक कर लेते हैं, माइनस 1 बाई टू समझ में आ जाएगा। तो 6 इंटू 1 बाई फोर प्लस 17 इंटू 1 बाई टू प्लस 5। अगर ये माइनस होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, ये तो पॉजिटिव रहता, ये निगेटिव हो जाता, तो इसके जीरो होने की तो कोई संभावना नहीं है, ये तो नॉन जीरो है, देख गया सब पॉजिटिव है, ठीक। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको जीरो ढूंढना है ना, वो ये थोड़ी ना करेक्ट रिमाइंडर ढूंढो सबके लिए, आपको केवल जीरो ढूंढना है। तो पता चल गया कि नॉन जीरो है, पी ऑफ माइनस हाफ भी नहीं जीरो होगा, क्यों, देखिए लिख लेते हैं हम, ये आएगा 6 बाई फोर माइनस 17 बाई टू प्लस 5। अभी 17 बाई टू कितना होता है, 17 बाई टू इज वॉट 8.5, ये कितना है 1 पॉइंट समथिंग, 5 प्लस 1 6 पॉइंट समथिंग, तो ये दोनों कभी जीरो हो नहीं सकता, नहीं तो एलसीएम भी ले लीजिए। ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 17 टू जा 34 प्लस 20, तो 26 माइनस 34 नॉन जीरो। अब नेक्स्ट नंबर प्लस माइनस 1 बाई थ्री पी ऑफ 1 बाई थ्री, 1 बाई थ्री पुट करिए तो यह आएगा। अब देखिए एक और चीज ऑब्जर्वेशन की बात है कि इसमें सब पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव वाला नंबर इसका फैक्टर नहीं बन सकता है, कौन सा वाला बनेगा, नेगेटिव वाला। तो हम पहले नेगेटिव वाला ही पुट करते हैं, माइनस वन बाई थ्री, तो माइनस वन बाई थ्री पुट किया तो ये आ गया 6 इंटू वन बाई नाइन माइनस 17 बाई थ्री और प्लस 5। एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया 9, तो 9 इधर आया तो यहां आया 6, 73 3 9 17 3 51 and 9 5 45। तो 6 5 11 45 प्लस 6 इज 51, माइनस 51 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब माइनस 1 बाई थ्री एक 0 हो गया। देयरफोर माइनस 1 बाई थ्री इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल,
गिवन पॉलिनोमियल, देयरफॉर अदर जीरो क्या आएगा, अदर जीरो इज इक्वल टू माइनस 1/3 इंटू बीटा इज इक्वल टू 5/6 आना चाहिए, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5/2। ध्यान दीजिए, एक मिल गया ना दूसरा मिल जाएगा, माइनस 5/2 पुट करिए चेक करने के लिए, पी ऑफ माइनस 5/2 तो ये आएगा 6 इंटू 25/4 माइनस 17 इंटू 5/2 प्लस 5। कैलकुलेशन वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, यहां पर जगह रहती है तो हम बहुत सारे कैलकुलेशन एक साथ कर देते हैं, तो ये आपका आ गया 4, तो 4 आ गया तो 25 चौके 100 150 और माइनस 2 2 जा 4 तो 10 170 एंड 5 4 जा 20, तो 150 प्लस 20 170 माइनस 170 इज 0, मतलब दोनों जीरोज हमने ढूंढ लिए। जीरो आपको एक ही ढूंढना है, पहले दूसरा जीरो मिल जाता है, देयरफॉर हम इसको अभी हमने वो तो लिखा नहीं आपका पॉलीनोमियल, चलिए कोई बात नहीं इसको हटा देते हैं, एक माइनस 1/3 एक माइनस 5/2, देयरफॉर 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 कैन बी रिटन एज 6 टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, अल्फा बीटा हमने क्या निकाला, 6 इंटू x माइनस ऑफ माइनस 1/3 प्लस x माइनस माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू 6 इंटू x प्लस 1/3 इंटू x प्लस 5/2। एलसीएम ले लीजिए तो ये आएगा 6 इंटू 3x प्लस 1/3 इंटू 2x प्लस 5/2, ये 6 से कट गया, कितना बचा 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस, ये है आपका फैक्टराइजेशन। ठीक, ये तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक, लेकिन अगर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते तो देखिए कितना आसान है, यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ठीक, प्रोडक्ट कितना है 6 5 जा 30, नंबर्स क्या है 17x, तो अल्फा मतलब मान लीजिए आपने रूट्स लिया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, इसको आपको ऐसे ही स्प्लिट करना है कि m इंटू n की वैल्यू 30 आए और m प्लस n की वैल्यू 17 आए, आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, सीधे सीधे दिख रहे हैं ना, 15 इंटू 2 15 दोनों के 30, 15 2 जा 20, तो 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से आप कॉमन लेंगे 3x, तो 3x आपने कॉमन लिया तो ये बचा 2x प्लस 5 प्लस 1 टाइम्स 2x प्लस 5, ये आप 2x प्लस 5 दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो 2x प्लस 5 टाइम्स 3x प्लस 1, यही आपका आंसर है। उतना झाम करने के बाद जो आंसर आता है वो इससे डायरेक्टली आ जाता है, तो आई ऑलवेज प्रिफर दिस, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अगर दिया भी है ना तो पहले जीरोज यहां से निकाल लो, यहां से जीरोज मिल जाएंगे ना, जीरोज कैसे, 2x प्लस 5 को जीरो किया x की वैल्यू माइनस 5/2 और 3x प्लस 1 को जीरो किया तो x की वैल्यू माइनस 1/3, यही दोनों जीरोज आपको यहां से भी मिल जाएंगे, तो पहले जीरोज निकाल लीजिए फिर कर लीजिएगा, हिट एंड ट्रायल से करने में क्या होता है कि चीजें अननेसेसरीली लेंदी हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, चीजें अननेसेसरीली लेंदी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो जो अगले दो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है पहला वाला कि आपको फैक्टराइज करना है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को यूजिंग फैक्टर थ्योरम। देखिए अनलेस अदरवाइज इट इज स्पेसिफिकली स्टेटेड इन द क्वेश्चन यू हैव टू यूज फैक्टर थ्योरम, आई विल नेवर रिकमेंड कि आप फैक्टर थ्योरम यूज करिए, हम कभी भी फैक्टर थ्योरम का रिकमेंडेशन यूज नहीं करते हैं। हाँ, क्यूबिक है बाई क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर थ्योरम यूज करना आपकी मजबूरी है, क्वाड्रेटिक के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्वाड्रेटिक के लिए यू ऑलवेज गो फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो सॉल्यूशन, आपको इसमें a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो बेसिकली यूजिंग फैक्टर लुक फॉर
here we can say that alpha into beta or rather product of zeros, ऐसे लिखिए आप, alpha beta मत लिखिएगा, product of zeros is equal to c by a is equal to 6 by 1 which is equal to 6. किस कहां से c by a लिख रहे हैं, ax square plus bx plus c, c by a यही हमने आपको बताया था, a common लीजिए तो क्या बचता है, a common लिया आपने x square plus b by a into x plus c by a, ये बचता है, इसी को हम कहते हैं कि x minus alpha into x minus beta, ये आप बिना इसको लिखे हुए लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड होता है, एक ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है और ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 है, तो देयरफॉर पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ जी 6 क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, 6 और 1 भी हो सकता है, पॉजिटिव है ना, हाँ पॉजिटिव है, 6 और 1 भी हो सकता है, 3 और 2 भी हो सकता है, उसने बोला है फैक्टर थ्योरम से, एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पहले ही जीरोस कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 प्रोडक्ट क्या है, दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 है और सम माइनस 5 है, तो हम कहेंगे माइनस 3 और माइनस 2, प्रोडक्ट 6 सम माइनस 5, तो y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 y इंटू वाई माइनस 3 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 क्या आ गया, y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2, तो y की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, ठीक, दोनों जीरोज मिल गए आपको, वैसे ये रफ में करके आप जीरोस कैलकुलेट कर सकते हैं, फैक्टर्स आपको लिखना पड़ेगा अगर उसने फैक्टर थ्योरम से पूछा है तो फैक्टर थ्योरम से, देयरफॉर ऑन कैलकुलेटिंग हम ये कहेंगे कि लेट पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, तो पी ऑफ 2 इसके एक फैक्टर को हमने उठा, चलिए पुट कर ही देते हैं, 1 पुट कर दिया हमने, तो 1 पुट किया तो क्या मिला, 1 माइनस 5 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 7 माइनस 5 2 नहीं आया, p ऑफ 2 की वैल्यू आपने पुट की तो ये आ गया 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 5 टू 10 6 प्लस 4 10 इक्वल टू 0, देयरफॉर 10 इज व्हाट, प्लस 2 के लिए मिला है तो एक 0 आपका माइनस 2 हो गया, a के लिए होता तो x माइनस a फैक्टर होता है, a के लिए मिला है तो x माइनस a फैक्टर होता है, या एक मिनट सॉरी, हाँ 10 इज 2, देयरफॉर 2 इंटू बीटा जो दूसरा 0 है 6, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3, p of 3 कैलकुलेट कर लीजिए, p of 3 is equal to 3 square minus 5 into 3 plus 6 which is equal to 9 minus 15 plus 6 कितना आ गया 0, therefore x minus 2 and x minus 3 are factors of y minus 2, variable same ही रखिएगा, and y minus 3 are factors of y square minus 5y plus 6 or y square minus 5y plus 6 is equal to y minus 2 into y minus 3, यही आपका आंसर है, आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आपको अगर नोट करने का मन कर रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको एक क्यूबिक दे दी गई, अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अनलेस टू गो फॉर फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को यूज किए बिना आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म केवल क्वाड्रेटिक के लिए अवेलेबल है हमारे पास, तो क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, बाकी किसी के लिए हम यूज नहीं कर सकते, क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए आपको पहले ही 10 ट्रायल से उसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सो कांस्टेंट टर्म क्या है 120, इन जनरल हम आपको कहते हैं कि आप सीधा सीधा यही उठाइए, इसी के फैक्टर्स ढूंढने होते हैं, इसी के फैक्टर्स ढूंढने होते हैं, तो फैक्टर्स ऑफ सॉल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी
120, therefore factors of 120 क्या होंगे, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, ऐसे ही करते करते बहुत सारे हो सकते हैं। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो 120, 260, 230, 215, 3 × 5, तो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, प्लस माइनस 5 ले लीजिए, प्लस माइनस 6 भी ले सकते हैं, प्लस 4 ले ही चुके हैं, 4 नहीं लिया, प्लस माइनस 4 भी आप ले सकते हैं, 2 × 2 करके बनेगा, और ऐसे ही करते करते प्लस माइनस 9 नहीं ले सकते आप, 8 ले सकते हैं, प्लस माइनस 12 ले सकते हैं, प्लस माइनस ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे आपके। 120 तक आपको जाना है, जितने फैक्टर्स हैं आपको सारे लिखने हैं, ठीक। लेकिन एग्जामिनर आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन नहीं देता कि लास्ट वाला फैक्टर मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्टार्टिंग के ही 2-3 में मिल जाता है फैक्टर, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पी ऑफ वन से। पी ऑफ वन पुट करते हैं, सबसे पहला फैक्टर यही है हमारा, तो 1³ - 23 × 1 का स्क्वायर माइनस 142 × 1 माइनस 120, तो ये आपका बना 1 - 23 माइनस 142 - 120, सॉरी 1 पुट किया है ना, ये प्लस 142 है, तो ये आपका आ गया 1 - 23 + 142 - 120, सम करिए तो ये आ गया 142 - 22 - 120, तो -142, ये आ गया 0। Therefore x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, यहां से आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो आप x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए, x माइनस 1 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, या आप और जीरोस ढूंढिए, या फिर आप इसको रीअरेंज करके फैक्टराइज कर लीजिए। तो चलिए हम आपको दोनों से करके दिखाएंगे, तीसरा हम जीरोज वाला नहीं आपके लिए अप्रूव करेंगे कि आप ट्राई करते रहिए, वैसे इसके जीरोज आपके आएंगे, इसके जीरोज आपके आएंगे 10 और 12। अब सोचिए 10 और 12 तक जाने में तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, प्लस माइनस 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 तक जाने में आपको टाइम लग जाएगा। तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि एक फैक्टर आपको आसानी से डेफिनेटली मिलेगा किसी भी क्वेश्चन में, हमारी रिटर्न गारंटी है, किसी भी क्वेश्चन में आपको एक फैक्टर आसानी से मिल जाएगा, क्यूबिक है तो, क्वाड्रेटिक है तो, दो आसानी से मिल जाएंगे, ठीक। और वैसे ही बच्चों प्रोडक्ट 120 आना है, तो एक अगर 1 हो गया तो दोनों बाकी दोनों का प्रोडक्ट 120 आने के लिए नंबर्स बड़े होने पड़ेंगे, दूसरा वाला प्लस माइनस 1, 2 नहीं मिलेगा, ठीक, 62 मिल सकता है। तो ये इसलिए हम कहेंगे कि एक छोटा वाला ढूंढ लो, उसके बाद दो तरीके यूज कर सकते हैं। चलिए ये आपने x माइनस 1 ढूंढ लिया, अब हम इसको यहां से क्लियर करते हैं। देयरफोर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - 23x² + 142x - 120, डिवाइड कर दीजिए इससे, x³ - 23x² + 142x - 120, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से, 1 के लिए 0 हुआ था तो x माइनस 1 उसका एक फैक्टर हो जाएगा, x माइनस 1 से डिवाइड x³ by x² पहला टर्म, x² से मल्टीप्लाई करिए तो x³ - x², ठीक है, माइनस प्लस ये कट गया, -22x² + 142x - 120 - 22x² / x - 22x मल्टीप्लाई करिए, -22x² + 22x, ठीक, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, 142 - 22 = 120x - 120, 120 से मल्टीप्लाई करिए, 120 x / x = 120 × 120x - 120, ये कट कुटा के क्या हो गया 0। तो दूसरा फैक्टर क्या बचा, दूसरा फैक्टर बचा देयरफोर x³ - 23x² + 142x - 120 कैन बी रिटन एज x - 1 × ऊपर वाला x² - 22x + 120, 120।
इसको हम अलग कर देते हैं, x माइनस वन और ये 120। अब आप ये क्वाड्रेटिक है, इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लीजिए। तो ये आपका आएगा x माइनस वन इंटू दो ऐसे नंबर जिसका प्रोडक्ट 120 है और सम माइनस 22। प्रोडक्ट 120 है, सम माइनस 22। नंबर ढूंढिए, 62 हो सकते हैं, नहीं, 30 और 4 नहीं। तो अब नंबर्स क्या क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे आपके 12 एंड 10। माइनस 12 माइनस 10, माइनस 12 इंटू माइनस 10 इज 120 एंड माइनस 12 प्लस माइनस 10 इज माइनस 22। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। तो ये आपका आ गया x माइनस 1 इंटू, इसमें से x कॉमन लीजिए x माइनस 12, इसमें से माइनस 10 कॉमन लीजिए x माइनस 12। तो ये आ गया आपका x माइनस 1, इन दोनों में से x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, बचेगा x माइनस 10। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, यही आपका आंसर है। ठीक, ये तो मेथड है कि आपने डिवाइड करके निकाल लिया, वेरी वेल वेरीफाइड, ट्रू, कोई गलत नहीं कर सकता इस मेथड को, मेथड बिल्कुल सही है। लेकिन एक और मेथड होता है जिसमें कि आप इसको रीअरेंज करते हैं। ठीक, किसको रीअरेंज करते हैं, फैक्टर्स को। बेसिकली वो डिवीजन प्रोसेस का ही थोड़ा लेंदी अप्रोच है। रीअरेंजमेंट इसमें ज्यादा होता है, हम कहते हैं एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। हमको पता है कि सब में से x माइनस 1 कॉमन लेना है, तो अगर x क्यूब और इसमें से x कॉमन लेने के बाद x माइनस 1 बचना चाहिए, तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1। तो एक x स्क्वायर हमने यहां यूज कर लिया, कितना बचा, 22x स्क्वायर, तो माइनस 22x स्क्वायर बचा। अब इस x में से आपको कॉमन लेना है, तो इसमें से 22x अलग कर लो, तो ये आएगा प्लस 22x, ये आपने अलग कर लिया। तो इसमें से जब हम माइनस 22x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, ये x क्यूब, इसके साथ अगर हम x स्क्वायर रखेंगे तो x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद x माइनस 1, 22 बचा कितना, एक एक्स स्क्वायर यहां लिख लिया माइनस के साथ, तो ये बचे माइनस 22x स्क्वायर। माइनस 22x स्क्वायर में से आपको x माइनस 1 कॉमन लेना है, तो मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, x माइनस 1 कॉमन जानना चाहिए, तो क्या होना चाहिए यहां पे टर्म, एक माइनस 22x स्क्वायर प्लस 22x होना चाहिए, यही हम यहां जनरेट कर रहे हैं, ताकि जब हम इसमें से 22x कॉमन ले माइनस 22x, तो x माइनस 1 बच जाए। तो 142x में से आपने कितने x यूज कर लिए, 22x यूज कर लिए, बचे कितने, 120। तो 120x माइनस 120। अब आप क्या करिए, इसमें से x स्क्वायर कॉमन लीजिए x माइनस 1, इसमें से 22 माइनस 22x कॉमन लीजिए तो ये आएगा x माइनस 1, और इसमें से 120 कॉमन लीजिए तो ये आ गया x माइनस 1। अब सब में से x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ये वही क्वाड्रेटिक है जो आपकी डिवीजन के बाद आई थी। तो बेसिकली कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही मेथड आपको यूज करना है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी एक्स माइनस वन इंटू, अब इसका फैक्टराइजेशन तो हम देख ही चुके हैं, एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12। ठीक, तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलिए बच्चों आप लोग इसको देखिए, समझिए, नोट करिए, और हम एक अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने बोर्ड पे दो क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं, लेट्स प्रैक्टिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्वाइट इजी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस kx, then value of 2x square plus kx at x plus 1 equal to 0 क्या होनी चाहिए, is 0, और remainder when 2x square plus kx is divided by x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर निकाल लीजिए x प्लस 1 से डिवाइड करने पे, तो हम कहेंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू
टू इंटू माइनस एक्स प्लस वन को जीरो करिए, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस के इंटू माइनस वन शुड बी इक्वल टू जीरो, तो ये आपका आ गया टू माइनस के शुड बी इक्वल टू जीरो और के इज इक्वल टू टू, यही आपका आंसर है। लेट मी चेक किया, आंसर यही आ रहा है आपका, यस के इज इक्वल टू टू। द सेकेंड क्वेश्चन इज, कि देखिए करा क्या गया है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको जीरो करिए, जो वैल्यू आती है इसमें पुट कर दीजिए, उसको जीरो कर दीजिए तो रिमाइंडर जीरो हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया तो इसका मतलब ये जो भी वैल्यू आई है इसके लिए ये इसका फैक्टर हो जाएगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस सिक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा सिक्स बाई वन, तो सिक्स बाई वन मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सिक्स बाई वन, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ सिक्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस सिक्स। अब देखिए पी ऑफ वन, पी ऑफ वन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कारण यह है कि पी ऑफ वन क्या, इनफैक्ट इनमें से किसी भी पॉजिटिव के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां सारे पॉजिटिव हैं। आप प्लस वन पुट करो, प्लस टू पुट करो, प्लस थ्री पुट करो, प्लस सिक्स पुट करो, सबके लिए सब पॉजिटिव रहेगा, तो क्या कभी सम जीरो आएगा, नो कभी भी सम जीरो नहीं आ सकता है। तो हम क्या पुट करेंगे, निगेटिव वाले, तो हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि पुट क्या करना है, तो माइनस वन पुट करना है, सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका आएगा माइनस वन का क्यूब प्लस सिक्स इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस इलेवन इंटू माइनस वन प्लस सिक्स, ये आपका माइनस वन प्लस सिक्स माइनस इलेवन प्लस सिक्स, तो ये छह छह बारह माइनस माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, एक एक्स माइनस वन तो फैक्टर हो गया है, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस सिक्स कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वन। अब हमें पता है कि एक्स माइनस वन एक फैक्टर बनने वाला है, तो या तो आप डिवाइड करके क्वाड्रेटिक निकाल लीजिए या रीअरेंज करके, तो हम रीअरेंज करके इस बार निकालेंगे, एक्स क्यूब के साथ हमें कितना एक्स स्क्वायर चाहिए एक्स माइनस वन के लिए लाने के लिए, तो हम कहेंगे भैया कि एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस वन कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन कर दो, तो यह आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो एक एक्स स्क्वायर यहां पे, सॉरी प्लस माइनस वन है ना, तो एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर, एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर, तो हमें एक्स प्लस वन चाहिए, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर इसमें से ले लिया हमने, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बचा कितना हमारे पास फाइव एक्स स्क्वायर, तो फाइव एक्स स्क्वायर के साथ एक्स प्लस वन आने के लिए यहां से कितने एक्स चाहिए, फाइव एक्स चाहिए, बचे कितने इलेवन एक्स, सिक्स एक्स, तो सिक्स एक्स प्लस सिक्स, सब में से अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन प्लस फाइव एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस वन, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया, एक्स प्लस वन इंटू बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब इसको फर्दर फैक्टराइज कर दीजिए, एक्स प्लस वन इंटू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट सिक्स हो सम फाइव हो, थ्री टू, थ्री टू जा सिक्स, थ्री प्लस टू फाइव, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस वन इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री कॉमन लीजिए तो ये आ गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, यही है आपका फैक्टराइज करके आया हुआ आंसर। ठीक, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस सिक्स। ठीक है बच्चों, तो ये है, हमें लगता है अब सफिशियंट प्रैक्टिस हो गई है, अब एक्सरसाइज 2.4 आई थिंक 2.4 इज दिस, यस 2.4 डिस्कस कर लेंगे तो आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, आई होप यू ऑल मस्ट हैव गेस्ड इट बाय नाउ, एक्सरसाइज 2.4, सो डेफिनेटली बिफोर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो यू मस्ट अटेम्प्ट द एक्सरसाइज 2.4। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।